नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छे से आप लोगों की कमर तोड़ प्रैक्टिस चल रही है, क्योंकि अभी सीबीएस का एग्जाम है 18 दिसंबर, केबीएस का एग्जाम है 22 दिसंबर। सुनने में आया है आईबी ने भी अपनी डेट अलाउ नोटिफाई कर दी है 3 और 4 जनवरी ऑफ 2019। लास्ट वीडियो में जैसा कि हमने आप लोगों को बताए थे कुछ जंबल वर्ड्स, उस वीडियो को देखकर जो सीबीएस और केबीएस वाले बच्चे हैं उन लोगों ने काफी हमें एक मोटिवेशनल कह सकते हैं कमेंट हमें दिए हैं, लाइक्स हमें दिए हैं, फीडबैक हमें दिया है, प्लस उनके लिए वो बेनिफिशियल पॉइंट है। ये हमारे लिए बहुत अच्छा है कि हाँ, बच्चे हमसे जुड़ रहे हैं और वो कुछ नया हमसे सीख रहे हैं जो कि उनके आगे हेल्प कर रहा है। वीडियो अगर पसंद आए हो तो आप लोगों ने लाइक उसे कर ही लिया है और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। अगर आप चाहते हैं कि हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें और नई नई जो भी हम टॉपिक्स और नए नए वीडियोस जो आपके लिए लेकर आए वो आप लोगों तक जरूर पहुंचे और आप उसे इजीली समझें, ना समझें तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें ताकि हम आगे आने वाली वीडियो में उस चीज को रिपीट ना करें। आज जो कि हमारा क्लास रहेगा वो रहेगा नाउन का पार्ट 7। नाउन के 6 पार्ट हम स्टडी कर चुके हैं, नाउन इन अपोजिशन, नाउन कंपाउंड्स, नाउन का क्लासिफिकेशन, नाउन इन नंबर, नाउन इन जेंडर एंड और क्या पढ़ा है उसके टाइप के कुछ क्वेश्चंस हमने उनके साथ साथ कर लिए हैं हर किसी में। आज उसी के बेसिस पर कुछ नया आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने की कोशिश की जा रही है। होपफुली आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए, बहुत अच्छे से उन क्वेश्चंस जो भी आपके पेपर में फंसे वो आसानी से आप लोग सॉल्व कर पाए। कोई भी अगर प्रॉब्लम फिर भी अगर आपको लगे कि ये डाउट आपका रह गया है तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए चलते हैं आज के सेशन पर, जो कि हमने लिया है टॉपिक है हमारा नाउन, पार्ट चल रहा है 07। अगर आप चाहते हैं पार्ट 1 टू 6 देखना या उसे कुछ नया सीखना या हमारे साथ जुड़ना तो आपको जाना होगा हमारे चैनल पर, जो कि आपको मिलेगा यूट्यूब पर स्वीटी शर्मा के नाम से। सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल और सब्सक्राइब करने के लिए आपको जाना होगा आपके राइट हैंड साइड पर सब्सक्राइब वाले बटन को करना होगा प्रेस। उसे प्रेस करने के बाद एक बेल आइकन आएगा जिसे आपको करना होगा प्रेस ताकि आप हमारी वीडियोस जो भी हम अपलोड करें इन फ्यूचर वो आप लोगों तक नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंचता रहे। आज का सेशन है हमारा सम कंफ्यूजिंग एंड इंपॉर्टेंट नाउन्स। कैसे, चलो देखते हैं। नाउन में क्योंकि बेसिक हमें जो प्रॉब्लम आता है वो ये कि हम ये सोच लेते हैं अगर किसी भी वर्ड के लास्ट में एस या ईएस जुड़ा है तो वो हमेशा प्लूरल है, ऐसा हमारे माइंड की अवधारणा होती है। ऐसा हम अजम्पशन लगा लेते हैं कि हाँ, जिस भी किसी वर्ड के लास्ट में हमें ऐसे एस नजर आएगा हम उसे बोलना शुरू कर देते हैं, वो कैसा नाउन, इट्स अ प्लूरल नाउन। बट ये हर टाइम पर पॉसिबल नहीं है, वेरिएशंस आती हैं। कैसे, चलिए देखते हैं आज के सेशन में। हमने लिखा एयर और एक वर्ड होता है एयर्स, मैंने कहा वॉटर, एक वर्ड होता है वॉटर्स, हमने कहा रिच, वर्ड होता है रिचेस, हमने कहा सैंड, वर्ड होता है सैंड्स, हमने कहा वुड, दूसरा वर्ड वुड्स, हमने कहा क्लॉथ्स, एक वर्ड होता है क्लॉथ्स, हमने कहा एडवाइस, वर्ड बोला एडवाइसेस, हमने कहा गुड, वर्ड आया गुड्स, हमने कहा फ्रूट, वर्ड आया फ्रूट्स। अब देखो ये वर्ड है, इसके साथ हमने क्या जोड़ दिया है एस या ईएस, बट क्या उसमें एस या ईएस लगने से ये सब प्लूरल हुए, ऐसा देखेंगे। कुछ और वर्ड्स हम लिख लें एक बार फिर बढ़ेंगे आगे कि इनमें क्या डिफरेंस है। मैंने कहा लेटर, एक वर्ड लेटर्स, हमने कहा अल्फाबेट, एक वर्ड अल्फाबेट्स, हमने कहा वर्क,
वर्क्स, आयरन आयरन्स, रिटर्न रिटर्न्स, पेन पेन्स। ये सब कैसे वर्ड्स हैं? एक साइड सिंगल लिखा है, दूसरी साइड आप बोलोगे कि ऐसे ये सब उसमें जुड़ गया है तो वो कैसा हो गया है? प्लूरल। बट क्या वो प्लूरल है? अभी चेक करेंगे जब उनका वर्ड हम वर्ड उसका हिंदी मीनिंग हम स्टडी करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वर्ड। और हो सकता है इसमें फोर्स फोर्सेस, बाकी एक जैसे याद आएगा तो लिख देंगे। अब देखो एयर का मीनिंग क्या होता है? अब एयर बोलोगे कि हमें क्या एयर का भी मीनिंग नहीं पता है, क्या होता है हवा। एयर का मीनिंग हमने याद किया भाई, इसका मीनिंग होता है हवा और एयर्स। अब आप लोग बोलोगे ये भी हमें क्या नहीं पता है, हमें तो पता है क्या मीनिंग होता है। आप लोग बोलोगे हवाएं, बट हवाएं तो कुछ होता ही नहीं है। एयर्स का मीनिंग होता है क्या? शो ऑफ, दैट मीन्स दिखावा, जिसे हम कहते हैं दिखावटी आचरण, शो ऑफ। क्लियर? वॉटर का मतलब होता है क्या? पानी। और वॉटर्स मतलब पानिया? नहीं, वॉटर्स का मतलब होता है क्या? जलाशय, मतलब ओशियन। नेक्स्ट मैंने कहा रिच, रिच मतलब अमीर, और रिचेस बहुत सारे अमीर आदमी, नहीं, रिचेस मतलब होता है धन दौलत, मतलब बहुत सारा पैसा, ये क्या होता है? रिचेस। फिर मैंने कहा सैंड, सैंड मतलब रेत या जमीन या भूमि जब हम कहते हैं, और सैंड्स ये कहता है रेगिस्तान, दैट मींस डेजर्ट। नेक्स्ट इज वुड, वुड मतलब लकड़ी, और वुड्स बहुत सारी लकड़ियां, नॉट वुड्स मतलब होता है जंगल, इट मींस फॉरेस्ट। अब आता है क्लॉथ्स, क्लॉथ्स होता है बिना सिला हुआ कपड़ा, दैट मींस अ पीस ऑफ क्लॉथ, टुकड़ा। और क्लॉथ्स होते हैं क्या? ड्रेस, एक मटेरियल जिसे हम इजीली पहन पाए। एडवाइस कहता है सलाह, और एडवाइसेस कहता है सूचनाएं, इंफॉर्मेशन। गुड मतलब होता है अच्छा, और गुड्स मतलब होता है वस्तुएं, जो कि हम किस में पढ़ते हैं? जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, फ्रूट मतलब होता है फल जो हम खाते हैं, और फ्रूट्स होता है मेहनत का फल, दैट मींस रिजल्ट ऑफ हार्ड वर्क, वो कौन होता है? फ्रूट्स। नेक्स्ट इज लेटर, लेटर मतलब पत्र या फिर वर्ण, और लेटर्स, लेटर्स होता है नॉलेज ऑफ मैनी लैंग्वेजेस, भाषाओं का ज्ञान। ठीक है, अल्फाबेट होता है क्या? वर्णमाला, और अल्फाबेट्स होते हैं नॉलेज ऑफ सम वर्ड्स, कुछ शब्दों का ज्ञान। वर्क होता है क्या? काम या फिर कार्य, और वर्क्स
कॉम्पोजिशन मतलब साहित्य लेख, कॉम्पोजिशन वर्क्स, आयरन लोहा जो हमारा मेटल होता है, मटेरियल नाम में आता है, और आयरन्स बेड़िया या फिर सलाखें। रिटर्न, रिटर्न मतलब होता है क्या, वापस, वापसी, ठीक है। और रिटर्न्स ये होता है लेखा जोखा जो कि हम अकाउंटिंग फॉर्मेशन पे यूज करते हैं, जैसे बैंक्स में नहीं कहते रिटर्न्स फिल करा लो, बैंक में जब हम यूज करते हैं अपने अकाउंटिंग टर्म्स में तब यूज होता है। पेन मीनिंग होता है दर्द, और पेन्स बहुत सारे दर्द, सर दर्द है, कमर दर्द है, पेट दर्द है, ये दर्द है, वो दर्द है, तो क्या पेन्स, नॉट एट ऑल। पेन्स कहता है मेहनत, मजदूरी, ये सब कौन कहता है पेन्स। कस्टम रीति रिवाज एंड कस्टम्स ड्यूटी, कर्तव्य या फिर कर, ठीक है। फोर्स, फोर्स होता है क्या बल, और फोर्सेस सेना। ये सारे के सारे जो भी हमने लिखे हैं ये सारे हैं कुछ कंफ्यूजिंग वर्ड्स, जिसे हम कह सकते हैं कंफ्यूजिंग नाउंस। अब इनके बेसिस पर क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं वो हम लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर वन, द चेयर इज मेड ऑफ वुड्स। मैंने क्या सेंटेंस बोला, द चेयर इज मेड ऑफ वुड्स, ठीक है। फिर मैंने कहा सेकेंड सेंटेंस, देयर इज अ वुड नियर दिस विलेज। ये एक सेकेंड सेंटेंस, देयर इज अ वुड नियर अ विलेज। नेक्स्ट सेंटेंस, थर्ड सेंटेंस, द डायरेक्टर गेव मी गुड एडवाइसेस। नेक्स्ट सेंटेंस, the advice received, the advice received from the manager are not true. This sentence. Next, question number 5. Air is not good for our intellect. For our intellectual. Next, Indian force are known for their loyalty and integrity. Indian force are known for their loyalty and integrity. Next,
जज द जज ऑर्डर्ड दैट द द आयरन ऑफ एक्यूज्ड शुड बी रिमूव्ड. दिस इज नेक्स्ट सेंटेंस. राधा sent her good by train. Next, Mr. Sharma my professor and friend is known for his good behavior. Are known for his good behavior. Next, अभी करते हैं इतने ही क्वेश्चंस. बाकी देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, क्योंकि अभी स्पेस हमारे पास नहीं है, नजर नहीं आएगा. अब ये जितने भी वर्ड्स मैंने लिखे हैं, इन्हीं सब के बेसिस पर हमने लिखे हैं कुछ सेंटेंसेस. चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट सेंटेंस, द चेयर इज मेड ऑफ वुड्स. क्या ऐसा कहना सही है? भाई जो चेयर होती है वो लकड़ी से बनती है या फॉरेस्ट से बनती है? चेयर जो है वो लकड़ी से बनती है या फॉरेस्ट से बनती है? लकड़ी से बनती है. अगर वो लकड़ी से बनती है तो यहां पर हमें यूज किसका करना चाहिए था? वुड का. बट उसने यूज किसका किया है? वुड्स. दैट इज रॉन्ग. क्या यूज करोगे? वुड. क्योंकि वुड्स का मीनिंग हम सोच लेते हैं कि लकड़ियों से बनी है, बट वुड्स का मीनिंग होता क्या है? जंगल या फिर फॉरेस्ट. दैट्स व्हाई वी यूज वुड इन द प्लेस ऑफ वुड्स. नेक्स्ट, देयर इज अ वुड नियर दिस विलेज. अब इस गांव के नजदीक एक फॉरेस्ट है या फिर इस गांव के नजदीक कोई लकड़ी है? क्या होगा? इस गांव के नजदीक एक लकड़ी है या फिर फॉरेस्ट है? फॉरेस्ट. अब फॉरेस्ट की सेंस वुड देता है या फिर वुड्स? वुड देता है. नहीं, क्या देता है? वुड्स. तो यूज करोगे वुड के जगह पर वुड्स. एक और एरर यहां पर है, नियर के बाद में यहां क्या आना चाहिए? बाय. नियर बाय दिस विलेज, उसके पास, आस पास. नेक्स्ट सेंटेंस, द डायरेक्टर गेव मी गुड एडवाइसेस. डायरेक्टर ने मुझे अच्छी सलाह दी या फिर अच्छी सूचनाएं दी? अच्छी सलाह दी ना. अब सलाह दी है तो एडवाइस यूज होगा कि एडवाइसेस? ऑब्वियसली एडवाइस यूज करोगे सलाह के लिए, एडवाइस एडवाइसेस नहीं आएगा. द एडवाइस रिसीव्ड फ्रॉम द मैनेजर आर नॉट ट्रू. भाई जो भी सलाह है, सलाह थोड़ी ना ट्रू होगी. क्या ट्रू होगी? सूचना. अब सूचना अगर ट्रू होगी तो एडवाइस होना चाहिए कि एडवाइसेस? एडवाइसेस. क्या गलत है? एडवाइस यूज करोगे एडवाइसेस, क्योंकि हमें चाहिए यहां पर सूचनाएं ना कि सलाह. क्लियर? नेक्स्ट, एयर इज नॉट गुड फॉर आर इंटेलेक्चुअल. क्या गलत? एयर इज नॉट गुड फॉर आर इंटेलेक्ट. एयर मतलब हवा अच्छी नहीं है हमारी अंतरात्मा के लिए, या फिर दिखावा? ऑब्वियसली दिखावा. क्या गलत हो जाएगा यहां? एयर इज रॉन्ग. यूज करोगे एयर्स. और दूसरी चीज, इंटेलेक्चुअल नहीं होगा, क्या होगा? इंटेलेक्ट. नेक्स्ट, इंडियन फोर्स आर नोन फॉर देयर लॉयल्टी एंड इंटीग्रिटी. भाई फोर्स होता है बल. अब भारतीय बल या फिर भारतीय सेना? ऑब्वियसली भारतीय सेना. अगर भारतीय सेना की बात हो रही है लेकिन यहां पर लिखा क्या है? फोर्स. फोर्स तो हो जाएगा गलत.
क्योंकि फोर्स हमें मीनिंग किसका देता है, बल का, बट हमें चाहिए क्या, सेना, तो क्या यूज करोगे फोर्स की जगह पर, फोर्सेस। द जज ऑर्डर दैट द आयरन ऑफ एक्यूज्ड शुड बी रिमूव्ड। भाई जज ने ऑर्डर दिया कि इन एक्यूज्ड के जितनी भी बेड़ियां खोल दो या फिर लोहा खोल दो। ऑब्वियसली बेड़ियां या फिर जो भी उसकी सलाखें लगी हुई है उसको ओपन करने के लिए बोलेगा, तो बेड़ियां या फिर सलाखें अगर बोलना है तो उसके लिए आयरन आना चाहिए कि आयरन्स, ऑब्वियसली आयरन्स यूज करेंगे, आयरन्स एट द प्लेस ऑफ आयरन। नेक्स्ट, राधा सेंट हर गुड बाय ट्रेन। भाई राधा ने अपना सामान भेज दिया है ट्रेन के द्वारा या फिर अच्छा भेज दिया है, सामान भेजा होगा ना, अब सामान अगर भेजा है तो उसके लिए गुड आएगा या गुड्स, ऑब्वियसली गुड्स। एंड द लास्ट सेंटेंस, मिस्टर शर्मा माई प्रोफेसर एंड फ्रेंड इज नोन फॉर हिज गुड्स बिहेवियर। वस्तुएं व्यवहार या फिर अच्छे व्यवहार के लिए उन्हें जाना जाता है। अच्छे व्यवहार की अगर बात करनी है तो गुड्स हो जाएगा, गलत यूज करोगे क्या, गुड। होपफुली ये जो आज का सेशन हमारा चला है सम कंफ्यूजिंग एंड इंपॉर्टेंट नाउंस, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत सिली मिस्टेक्स यहां से हमें एग्जाम में मिलती हैं जो कि हम अवॉइड कर देते हैं, और या फिर ये कह देते हैं कि नहीं ये सेंटेंस करेक्ट है क्योंकि हम उसका मीनिंग नहीं समझ पाते हैं। बट मीनिंग उनको क्लैरिफाई करना बहुत जरूरी है, अगर नहीं समझोगे तो एग्जाम में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। क्लियर है? फिर भी अगर इसको समझने में कोई प्रॉब्लम लगे आप लोगों को या ना समझ में आया हो कोई भी एक पॉइंट, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करना मत भूलिएगा। जैसा भी वीडियो आपको लगा है वैसा फीडबैक देना बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि जैसा फीडबैक देंगे वैसा ही हम आपको आगे रिवर्ट करेंगे। क्लियर है? होपफुली वीडियो आप लोगों को पसंद आए, कुछ नया आप यहां से सीखें। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करना मत भूलना है, साथ ही साथ अपने जितने भी आपके कलीग्स, फ्रेंड सर्कल या फिर आपका कोई क्लासमेट ग्रुप अगर है तो आप उसको प्लीज शेयर कर दीजिएगा ताकि इसका लुत्फ वो भी उठा सके। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है क्योंकि नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचेगा नहीं, और अगर पहुंचेगा नहीं तो आप अपने ही क्लासमेट्स और अपने ही कॉम्पिटिटर से हो जाएंगे पीछे। सब्सक्राइब करने के लिए राइट हैंड साइड पर रेड कलर बॉक्स में जो लिखा हुआ होता है सब्सक्राइब, उसे करना है प्रेस, साथ में करना है बेल आइकन, जो बोलेगा टर्न उसे प्रेस ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए जल्द से जल्द। कुछ गलती हुई हो तो उसके लिए क्षमा कर दीजिएगा। बाकी आप लोगों की जो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब प्लस आपके कमेंट्स और फीडबैक जो हमें मिलेगा उससे हम काफी मोटिवेट होते हैं, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। इतना सपोर्ट आप हमें कर रहे हैं उसके लिए थैंक्स अ लॉट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ध्यान रखिएगा अपना। मौसम चल रहा है थोड़ा खराब, ठंड हो गई है ज्यादा और एग्जाम आ रहे हैं बहुत पास, पढ़ना ज्यादा है सोना कम है। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर कमिंग एग्जाम्स, टेक केयर।